আল্লাহ সিরাজউদ্দিন আজমলক সাথ হয় এতে বিজেপি সরকারে এই ডিভাইড এন্ড রুল পলিসি আরম্ভ করেছে হিন্দু মুসলমানের রাজনীতি করেছে রাইজক বুঝাই দেম আমি বুঝাই দিব পারি মিঞ্চলা পুরুপ চাও বুঝাই দি हर मुश्किलात में मौलाना बदरुद्दीन अहमद साहब आते हैं बीजेपी सरकार को हटाने के लिए हम लोग अभी पूरे मजबूत हैं। चुनाव यात्रा लगातार जारी है और बंगाल के बाद अब हम आसाम में पहुंच गए हैं और इस वक्त हम जहां पर आसाम में हैं वो हौजाई है और हमारे सामने आसाम के काफ़ी लोकल लोग मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि आसाम में ये किसके साथ है। पिछले दिनों यहाँ कांग्रेस की हुकूमत थी और अब पिछले 5 सालों से बीजेपी की हुकूमत है। इसके अलावा आसाम में इन दो पार्टियों के अलावा तीसरा बड़ा नाम है ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट का, जिसके सदर है मौलाना बदरुद्दीन अजमल और वो इस मरतबा कांग्रेस अलायंस का हिस्सा है। तो हम पब्लिक से जानेंगे कि वो लोग किसके साथ है, बीजेपी के कामकाज से कितना खुश रहे हैं, कांग्रेस की दोबारा सरकार चाहते हैं, AIUDF पर इन्हें कितना विश्वास है और उन्हें भी ये हुकूमत में देखना चाहते हैं। तो आइए हम बराह रास्त इनसे मिलते हैं और इनके व्यूज़ इनके आइडियाज़ आप तक पहुँचाते हैं। आप लोग सब यहीं से हैं, आसाम से? आसाम से। बताइए इस चुनाव में क्या चल रहा है, किसके साथ हैं आप लोग? ये चुनाव में हम लोग मौलाना बदरुद्दीन अजमल हम लोग का मौजूद का पार्टी अलाज सिराजउद्दीन अजमल का साथ है। साथ हैं? साथ है। आप लोग भी? जी हाँ, हम भी। क्या मौलाना अजमल ने ये जो जमुना मुख्य विधानसभा में पड़ता है हौजाई जहाँ हम खड़े हैं, तो पिछले 4-5 मरतबा उनकी पार्टी के MLA रहे हैं, तो क्या उन लोगों ने काम काज किया यहाँ? क्या है, क्या है काम है? बहुत अच्छा काम किया है। सड़क उड़क बनाया उन्होंने? बहुत सड़क बनाया है। जबरदस्त काम किया। अच्छा ये बताइए क्या नाम है आपका? सैफुल इस्लाम। सैफुल इस्लाम साहब, ये जो बीजेपी है एक तरफ, दूसरी तरफ कांग्रेस है, बीजेपी करे कि मौलाना अजमल जो है आसाम को इस्लामी मुल्क बना देंगे, हिंदुओं को यहाँ से भगा देंगे? नहीं, ये तो बोलता है बीजेपी सरकार। हम लोग अब महागठबंधन हो गया, हाँ, तो आसाम में महाजोट का सरकार होगा। अच्छा ये बताइए कि NRC और CA यहाँ बड़ा मुद्दा रहा है, तो NRC को लेकर के आप लोगों के दिल में क्या है? बीजेपी ने जिस तरह NRC पर सियासत की उससे खौफ है क्या? শুনক মই এটা কথা কব বিচাৰিছো যে বৰ্তমান যেটো সরকার বিজেপি সরকার চলি আছে এটো NRC কা এবিলাক যে ব্ৰিটিছৰ সময়ত যেনেকা ডিভাইড এণ্ড ৰুল কৰিছিল, এতিয়া বিজেপি সরকারে এই ডিভাইড এণ্ড ৰুল পলিচি আৰম্ভ কৰিছে। আসল মুদ্দাটো কা বা NRC এইবিলাক নহয়, সিহঁতে ধৰ্মৰ নামত বিভাজন কৰি অসমৰ যিখিনি সমস্যা আছে সেই সমস্যাক একাষৰীয়া কৰি ৰাখি বেলেগ এটা মুদ্দা সৃষ্টি কৰি সিহঁতে নিৰ্বাচনী বছৰ পাৰ কৰিব বিচাৰিছে। অসমৰ ৰাইজে, আমাৰ সংখ্যালঘু ৰাইজে এইবিলাক সব প্ৰতাৰণা গম পাই মৌলানা বদরুদ্দিন আজমলৰ নেতৃত্বত যিটো মহাজোট গঠন হৈছে সেই মহাজোটত আমি সকলো ৰাইজ একত্ৰিত হৈ আছোঁ। এনেকা মতলব ইয়ে কহনে কা হুৱা কি মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল মহাজোট কা হিস্সা হে, মহাজোট কে সরকার বনেগে, বিজেপি ডিভাইড এণ্ড ৰুলছ কি পলিটিক্স কৰতি ৰহি হে আৰু উসকো ইয়াহাঁ কি জনতা নে নকাৰ দিয়া হে, ইয়ে ইনকা কহনা হে না? চলো মেনে ভি আসামী কো ইসে তৰজমা কৰ দিয়া হে, আতি নহি হে। জি কুছ কহ ৰহে চাচা? কহ ৰহে হে ও ইয়ে মই অসমীয়াত কো বিজেপি সরকারটো এই 5 বছৰত আচ্ছা যি কাম কাজৰ এটা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে, প্ৰতিশ্ৰুতিটো জাগাত থাকি গ'ল। এটা কাম ইহঁতে কৰিছে, হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি কৰিছে, কেনেকুৱা কৰিছে আমি বুজাই দিম আপোনাক, ৰাইজক বুজাই দিম, আমি বুজাই দিব পাৰিম ইনশ্লা পুৰুপ চ বুজাই দিম। সিরাজউদ্দিন আজমল সাহেব ইহানে কাম কাজ কিয়া, 2 মর্তবা MLA রহে ইহাঁ সে বো? हाँ जी, बहुत अच्छा काम किया सिराजुद्दीन अजमल। क्या कुछ काम किया सिराजुद्दीन अजमल साहब ने? सिराजुद्दीन तो बहुत काम किया, बड़ा बड़ा स्कूल कॉलेज, आप गरीब जो लोग का घर भी दे रहा है, यूनिवर्सिटी दे रहा है। अब भी भेलुगुड़ी में 127 बीघा माटी खरीदा है, यहाँ भी यूनिवर्सिटी होगा। हाँ, बहुत ज्यादा काम किया है, लगभग हम लोग सोच भी नहीं सकते इतना काम किया। ये जो महागठबंधन का सरकार आसाम में होने वाला है ये निश्चित हो गया, इसीलिए बीजेपी सरकार डर गया। यहाँ जो अजमल का जो अनुदान है, अजमल साहब का जो डेवलप हुआ है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोड, हर चीज़ का उन्नयन हुआ है, लेकिन वो विरोधी लोग बोल रहे हैं यहाँ कुछ उन्नयन हुआ ही नहीं। ये जितना उन्नति हुआ है यहाँ का आदमी, हम लोग खुश है। और फिर नेक्स्ट महाजुट का सरकार अगर होगा तो हम लोग का सिराजुद्दीन अजमल साहब मिनिस्टर होगा, ये आशा से हम लोग महाजुट बंधन का साथ में है। डायरेक्ट सिराजुद्दीन अजमल साहब को मिनिस्टर बनने की उम्मीद लगाए हुए हैं, कुछ कह रहे हैं आप? हाँ, वही कह रहा हूँ कि बीजेपी ने हमारा बहुत कुछ काम किया है। क्या किया है, मतलब एयरपोर्ट जो है उसको बेच दिया, रेलवे को भी बेच दिया,
असम में बीजेपी ने क्या क्या बताया? असम में बीजेपी के कामकाज से आप लोग खुश नहीं? मतलब अभी देखिए, बीच में एक दिन क्या हुआ था कि बोला था कि कल से पेट्रोल का दाम 5 रुपया कम होगा, वो तो हम देखे हैं कल से सच में कम हो गया, लेकिन 3 दिन बाद से 8 रुपया बढ़ गया। वो मतलब सरकार ही करता है ना, तो आप लोग देखिए अभी जनता का कितना तकलीफ हो रहा है। क्या पढ़ाते हैं? जी नहीं। क्या करते हैं आप? बिजनेस करते हैं। अच्छा, बिजनेस करते जी, हैं जी। दरअसल असम में मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब का बहुत कुछ किरदार है। क्या है, कुछ बताइए। सबसे पहले हम जब गरीबों के सामने गरीबों का मसीहा बन के आया है, हर मुश्किलात में मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब आते हैं, और ये नॉर्थ ईस्ट का सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा अटेंडेंट रहने वाला सांसद है, और सिराजुद्दीन अजमल साहब ने जमनामुख में बहुत कुछ किया है। जमनामुख के लिए बहुत कुछ किया है। जहाँ रास्ते नहीं थे वहाँ रास्ते दिया, जहाँ ब्रिज की ज़रूरत है ब्रिज दिया, एजुकेशन दिया, उसके बाद हर चीज़ में उसका आँख है, हर चीज़ों में उसका नज़र किया। बीच में हमारे कुछ दलाल लोग आते हैं, वे लोग ये कहते हैं वो कहते हैं, लेकिन मौलाना बदरुद्दीन अहमद साहब हर दिन अच्छा काम किया, आज भी कर रहे हैं। चुनावी मौसम में रैलियां निकल रही है हमारे साथ, जहां खड़े एक तरफ देखो और पार्टी की रैली निकल रही है, ये कौन सी पार्टी है जो जा रही है? ये बीजेपी का बीटीम है, ये बीजेपी का बीटीम है। कौन पार्टी है ये? राइजर दल है, सिलेंडर पार्टी है, इसका कोई दल नहीं है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट। ये राइजर दल बल रहा है, लेकिन उन लोग का दल का कोई प्रतीक चिन्ह नहीं है, ये बिलाफ दल है। अखिल गगोई की वाली पार्टी, वो अखिल गगोई का पार्टी होने से क्या होगा? अखिल गगोई का पार्टी है, उनका कोई ये नहीं सिंपल नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। और एक बात हम आप को जरिए से असम को आदमी को सुनाना चाहता हूँ, जमुनामुख समष्टि में एक भी काट का ब्रिज नहीं है, एक भी काट का ब्रिज नहीं है। ब्रिज माना बताइए, क्या करें? सुनिए, ये असम जो स्टेट है, ये छोटा स्टेट है, ये बहुत गरीब स्टेट है। बीजेपी ने जो सांप्रदायिक राजनीति किया, इसमें हमारा असम वाला, पूरा असम वाला संतुष्ट नहीं है। असम में जो मूल्य वृद्धि किया, हमारा ये असम का लोगों का बहुत परेशानी हो रहा है। ये बीजेपी को हम लोग नहीं मानते, ये का जो विरोधी है, हम लोग का विरोधी कर रहा है, का विरोधी के बारे में इस बार बीजेपी निकल जाएगा। अभी असम में महाजोट का सरकार होगा, मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने बहुत काम किया, उसका काम काज में हम लोग संतुष्ट है, इंशाल्लाह महाजोट का सरकार बनेगा। बीजेपी की जो 5 साल सरकार रही वो कैसी थी? बीजेपी ने काम काज नहीं किया क्या? हाँ जी, बीजेपी सरकार आया, लेकिन हम लोग बीजेपी सरकार आने के बाद हम लोग को गरीब बना दिया। किस लिए गरीब बना दिया? जितने भी हजिरा काम कर रहे, 300 रुपया 350 रुपया मिल रहे, वहीं से GST ले लिया, 28% करके अगर GST ले लिया तो 100-150 रुपया चला जाएगा। वह गरीब लोग से वह लोग मांग रहे, और कितने भी फसाद दंगा बजा रहे, कितने भी जंग लगा रहे, हिंदू मुस्लिम जंग लगा रहे, हम लोग इतना शांति है, इतना शांति है। तब भी देखो, आज अगर ये बदरुद्दीन अजमल साहब नहीं रहता तो हम लोग का कोई सहारा नहीं है। वह तो गरीब आदमी, और जितने भी मुसीबत हो सब आदमी का साथ हुआ है, और जितने भी बदरुद्दीन अजमल साहब आया, हम लोग का विकास बहुत अच्छी तरह से हो रहा है, लेकिन जब बीजेपी आया हम लोग का बहुत नुकसान पहुंच रहा है, आदमी लोग का बहुत नुकसान पहुंच रहा है। इसलिए अगर हम लोग सब आदमी मिल के वही अभी बीजेपी सरकार को हटाने के लिए हम लोग अभी पूरे मजबूत हैं। ये बताइए, बीजेपी NRC ला रही है या उसने कहा है कि जो घुसपैठी है उसको निकाल देंगे, निशाना मुसलमानों की तरफ था, इस वजह से आप लोग वोट कर रहे हैं कांग्रेस UDF के अलायंस को, क्या ये खौफ है आप लोगों को? ये बिल्कुल है, ये खौफ है, ये ऐसे खौफ है उसका। क्या खौफ है बताइए, एक्सप्लेन कीजिए। वो तो पहले इससे सोचा था NRC में, जो बंगाली लोग मुसलमान जो लोग है ना, ज़्यादा निकल जाएंगे अब बांग्लादेश से, लेकिन वो लोग अभी देखा है बंगाली लोग ज़्यादा हो गया, इसलिए अभी कोई बात नहीं कर रहा है, इसमें कोई बात नहीं। सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत तो असम का दुश्मन है, वो लोग सब जाति का दुश्मन है, वो लोग ओनली खाली मुसलमान को टारगेट करता है। सोनोवाल जी और हेमंत विश्व शर्मा जी, ये तो 21 का
इलेक्शन में पता चल जाएगा। अच्छा, मौलाना अजमल को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो जाके सिर्फ मुसलमान है वोट कर रहे हैं या जो मुसलमानों के अलावा जो लोग वो लोग भी मौलाना अजमल को सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहा है, 100% सपोर्ट कर रहा है। असम को सिख मिनिस्टर, असम को सिख मिनिस्टर, वहाँ जो जो इलेक्शन चालू हुआ है वो जो बेसिक सीट मिलेगा जो पार्टी को वो पार्टी से असम का सिख मिनिस्टर बनेगा। बदरुद्दीन अजमल सीएम नहीं बनेगा, वो खुद बोल रहा है, हम लोग भी बोल रहे हैं कभी भी सीएम नहीं बनेगा। और लो, हम लोग कोल्लू बना दिया, ये किसाना मिल गया कांग्रेस पार्टी को नेतृत्व में, कांग्रेस से असम का सीएम बन जाएगा। बदरुद्दीन अजमल जिंदाबाद। अभी बीजेपी सरकार ने कहा कि मदरसों में दीन को या इस्लाम को नहीं पढ़ाया जा सकता है और उसमें साइंस हो रहा पढ़ाया जाएगा तरह से बंद करने का उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है। मैं सवाल करता हूं सरकार से, क्यों नहीं पढ़ाया जाएगा मदरसों को, क्यों नहीं पढ़ाया जाएगा, क्यों बंद कर दिया जाएगा उसमें जो दीनी तालीम? सरकार का कहना है कि किसी एक धर्म विशेष पर सरकारी पैसे नहीं खर्च किए जा सकते। सरकारी पैसों से तो सांस्कृतिक टूल भी पढ़ाया जा रहा है, उसको क्यों नहीं बंद कराया है? मदरसों को क्यों बंद करा रहे हैं? मदरसों में तालीम जो होती है इस्लाम की तालीम होती है, कुरान की तालीम होती है, ये भी हमारा अधिकार है, हमको कराएं। खाली स्कूलों में जाएंगे हमारा ये अधिकार पूरा नहीं होगा। संविधान ने हमें यह अधिकार दिया है, जो मदरसों में जो तालीम है वो हमको मिलना चाहिए, तो इसमें कौन सी बुराई है? और वो ब्रिटिश सरकार की जो है वक्त से अभी तक तो जो उसकी पढ़ाई चल रही है, क्यों बंद किया जाए उसको? करें सरकार, हमारी तालीम भी कराएं और संस्कृत टूल भी कराएं, कोई और लोग भी हों उनकी भी कराएं। मतलब ये जमुना मुख विधानसभा है जहां से सराजुद्दीन अजमल, मौलाना बदरुद्दीन अजमल के भाई, वो चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले भी दो मरतब यहां से मिले रहे, वो एमपी भी रह चुके हैं बारपेटा लोकसभा हलका से। और इस वक्त आसाम में दो तरफा लड़ाई है ज़बरदस्त, एक तरफ UDF कांग्रेस अलायंस के साथ UPA कह लीजिए, दूसरी तरफ NDA है, दोनों में लड़ाई चल रही है। यहाँ जो लोग हैं इस विधानसभा में जहाँ आपसे बातचीत कर रहे हैं आपके साथ हैं, ये लोग एक तरफा तौर पर अलायंस के साथ हैं, सब बदरुद्दीन अजमल साहब के चाहने वाले हैं, उनके कामों का एतराफ़ कर रहे हैं। वैसे सच्चाई है और दुनिया भर ने एतराफ़ किया है कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन से, अपनी NGOs के ज़रिए तालीम और सोशल वर्क बड़े पैमाने पर किया है। आसाम के कुछ दूसरे इलाकों में हम जाएंगे और वहाँ से बताएंगे कि वहाँ के लोगों की क्या राय है, वो लोग किसको वोट कर रहे हैं, वो लोग किसको सपोर्ट करते हैं। फिलहाल यहाँ पर इतना ही, इजाज़त दीजिए। कैमरामैन नईम के साथ शम्स तबरेज़ कासमी, मिल्लत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें, हर महीने सिर्फ 100 रुपये और एक साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।